नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हम रिवर्सर और CTF के बारे में। अंतर भी जानेंगे और ये क्या काम करते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे काम करते वो भी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाके जो भी वीडियो आपको देखना हो देख सकते हैं। और एक खबरी ऐप है ऑडियो की, उसको भी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके मुझे फॉलो करें। वहाँ भी मेरा चैनल बना हुआ, मैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ, आप लोग अवश्य सुने, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और खबरी ऐप का जो लिंक है मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, तो आप लोग वहाँ से उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेवें। तो बात करते हैं रिवर्सर और CTF की। दोनों का आकार लोको में एक जैसा ही होता है, काम अलग अलग है, कनेक्शन अलग अलग है। तो रिवर्सर जो होता है उसको J1 या J2, यानी कि दो रिवर्सर होते हैं, इसलिए J1 रिवर्सर नंबर 1 है और J2 जो है वो रिवर्सर नंबर 2 है। तो दो रिवर्सर होते हैं, उनको CTF को CTF ही कहते हैं। तो रिवर्सर का तो REV सीधा नाम है, CTF CTF का ऐसे तो कोई फुल फॉर्म बना के नहीं रखा है, लेकिन हम ऐसे बना सकते हैं। C का मतलब कॉन्टेक्टर और T का मतलब ट्रैक्शन और F का मतलब फील्ड। ये ट्रैक्शन मोटर की फील्ड से संबंधित है, इसके लिए इसको CTF कहते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रो न्यूमेटिक टाइप के कॉन्टेक्टर हैं, वो ड्रम पर टाइप भी हो सकते हैं या अन्य किसी टाइप के भी हो सकते हैं। तो रिवर्सर जो है वो लोको में दो होते हैं, TM123 के लिए रिवर्सर 1, TM456 के लिए रिवर्सर नंबर 2 होता है। और अगर किसी लोको में दो ही है तो फिर J1 जो है TM12 के लिए और 4-5 के लिए J2। जबकि CTF 3 होते हैं, तो दो दो मोटर को एक एक CTF कंट्रोल करता है, उसके जो टिप्स लगते हैं पावर सर्किट में वो उसमें लगते हैं। दोनों ही का कनेक्शन पावर सर्किट में ही है, ट्रैक्शन पावर सर्किट में, और दोनों के इलेक्ट्रोवाल भी उनके ऊपर ही लगे हुए हैं। रिवर्सर क्या काम करता है, लोको की डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है, यानी कि दिशा चेंज करने के, जिस दिशा में जाना हो तो उस दिशा का ये सर्किट तैयार कर देता है ट्रैक्शन मोटर का। और CTF क्या काम करता है, लोको को या तो ट्रैक्शन के लिए या फिर ब्रेकिंग के लिए तैयार करता है। ब्रेकिंग कौन सा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो रिवर्सर जिधर सेट होंगे, इसकी रिवर्सर की दो पोजिशन है, ब्रेकिंग और रनिंग। रनिंग में होगा तब ट्रैक्शन में गाड़ी चलेगी, और ब्रेकिंग में होगा तब डायनामिक ब्रेक लगेगा, यानी कि रियोस्टेटिक ब्रेक जो है वो लगेगा। तो CTF का ही सारा खेल होता है। जैसे CTF ब्रेकिंग पे जाते हैं तो सभी ट्रैक्शन मोटरों की फील्ड सीरीज में जुड़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि रियोस्टेटिक ब्रेकिंग का सर्किट तैयार हो जाता है। तो इसका काम ये है। रिवर्सर को हम बीच में लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कभी डेड लोको ले जा रहे हैं या रिवर्सर खराब हो गया, कुछ हो गया, तो रिवर्सर को हम बीच में लॉक कर सकते हैं, उसके अंदर ऐसी सुविधा दी हुई है। जबकि CTF को लॉक नहीं कर सकते, उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं दी हुई है, उसको दो पोजिशन पर रख सकते हैं, या तो रनिंग पर रहेगा या ब्रेकिंग पर रहेगा। रिवर्सर जो है ऑपरेट करने के लिए MPJ हैंडल दिया हुआ है लोको पायलट की कैब में, उस MPJ के द्वारा रिवर्सर को ऑपरेट किया जाता है, जिसकी तीन पोजीशन होती है, फॉरवर्ड, जीरो, रिवर्स। तो उसके अनुसार रिवर्सर सेट होते हैं MPJ के द्वारा। और CTF को जो ऑपरेट किया जाता है वो MP के द्वारा। MP की टोटल 8 पोजीशन होती है, 4 रनिंग में, 4 ब्रेकिंग में। तो ब्रेकिंग साइड जब MP को ले जाते हैं तो CTF ब्रेकिंग में जाते हैं, तो CTF को ऑपरेशन MP से किया जाता है। रिवर्सर जो है वो सभी कन्वेंशनल लोको में होता है, रिवर्सर के बिना काम नहीं चल सकता। जबकि ये जो होता है CTF जो होता है इसमें, मतलब जिस लोको में ब्रेकिंग नहीं है, यानी कि डायनामिक ब्रेकिंग अगर नहीं है तो उसमें CTF भी नहीं होगा। और अगर डायनामिक ब्रेक खराब है तो CTF को उसमें बीच में उसको रनिंग में या ले जाके, मतलब उसको बांध देते हैं डोरी से, रनिंग में रख के बांध देंगे, क्योंकि उसमें डायनेमिक ब्रेकिंग खराब हो गया, सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो और इसको बीच में लॉक की पोजीशन नहीं है तो लॉक करने की जरूरत ही नहीं है। रिवर्सर के बिना काम नहीं चलता, CTF के बिना तो काम भी चल सकता है, अगर CTF नहीं हो तो भी काम चल सकता है। डायनेमिक ब्रेकिंग नहीं लगेगा ज़्यादा, और क्या करेगा।
इन दोनों जो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर्स हैं, इसकी जो कॉइल है यानी इलेक्ट्रो वाल है, उसको सप्लाई जो है सीसीपीटी फ्यूज से मिलती है। सीसीपीटी 16 एम्पीयर का जो फ्यूज है उससे इनको सप्लाई मिलती है। तो इस प्रकार ये रिवर्सर जो है, ST1 में रिवर्सर 1 रहता है, ST2 में रिवर्सर 2 रहता है, और CTF ST1 में 1 रहता है, 2 में 2 और 3 जो है CTF वो रहते हैं। इस प्रकार इसका लोकेशन होता है। हम देख के भी पहचान सकते हैं, एक तो लॉक पिन के द्वारा भी देख के पहचान सकते हैं, या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ भी रहता है। रिवर्सर में F और R लिखा रहता है, और CTF में R और B लिखा रहता है। R का मतलब रनिंग और B का मतलब ब्रेकिंग। इस प्रकार भी इनको पहचान सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट में जाकर जरूर लिखें, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।